आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपना अयोध्या का दौरा पूरा कर देहरादून पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी देते हुए खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अयोध्या में जब से भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तब से अयोध्या की रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है, जिसके चलते राम मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है और जिस राम मंदिर निर्माण की कल्पना की गई थी वह जल्द पूरी होने जा रही है। दिसंबर माह तक उत्तराखंड के अंदर फुल वैक्सीनेशन कर रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। जो लोग इसके लिए पात्र थे, जो हमारी ऐसी बहनें जो गर्भवती हैं या जिनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका टीकाकरण नहीं हो सकता है, उन सभी को छोड़कर संपूर्ण रूप से वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है हो चुकी है और इसके लिए मैं अपने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का और उसमें लगे हुए सभी जो अन्य विभाग के लोग भी हैं, चाहे रेवेन्यू विभाग के लोग हैं, पुलिस के हैं, हमारे पंचायत के लोग हैं, समस्त विभागों से जिन जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों में और कठिन जो हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, एक एक व्यक्ति को टीका लगाने के लिए काफ़ी दूर तक स्वास्थ्य विभाग के और अन्य विभागों के लोगों के द्वारा बहुत कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम करना पड़ा है। मैं उन सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ पर अगस्त माह से पहले वैक्सीनेशन चूँकि कम हो पा रहा था, उसका कारण यह था कि हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी और उनसे हमने जब अनुरोध किया कि आप हमें वैक्सीन ज़्यादा उपलब्ध करवा दीजिए, तो अगस्त माह से हमें ज़्यादा वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई। उसके कारण से हम सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा पाए, उनको वैक्सीन लगा पाए और मुफ्त की वैक्सीन हमको उन्होंने दी है। इसके लिए मैं मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमें खुशी है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लक्ष्य जो है कम से कम 3 महीने पहले हमने पूरा कर दिया है। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और आगे चूँकि हमने अभी 18 वर्ष से भी जो कम वाले हैं उनके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे वैज्ञानिकों ने जल्दी उनका टीकाकरण की योजना बनाई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो टीका भी हमारे बीच में आ जाएगा। अब चूँकि सभी लोग वैक्सीनेशन अपना करवा चुके हैं, अब जरूरत हमें केवल इस बात की है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौनिहाल हैं, अभी इनको टीका भी लगाया है, उनको थोड़ा सुरक्षित रखें। देखिए, अयोध्या में बिल्कुल जैसा मैं बचपन में बहुत बार अयोध्या गया हूँ और विद्यार्थी जीवन में लगातार वहाँ पर राम जानकी महल ट्रस्ट में, जहाँ पर रामचंद्र परमहंसी का जो स्थान होता था वहाँ जाता था, साकेत महाविद्यालय में जाता था, अयोध्या के बहुत सारे स्थानों पर पहले भी मैं गया हूँ, सरयू जी में भी पहले स्नान भी किया है। तो अब का अयोध्या बिल्कुल ऐसा अयोध्या हो रहा है कि आने वाले समय में वो केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। जब से वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है, वो दुनिया के लिए आध्यात्मिक और आकर्षण का केंद्र है। सबके आराध्य देव हैं भगवान राम। हर तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। और मैं एक बात बचपन से सोचता था कि मैं जब मैं वहाँ गया तो भगवान राम जो है, रामलला हमारे वहाँ टेंट के अंदर रहते थे, टेंट में, त्रिपाल में, क्योंकि आप लोगों में से कोई गया हो तो उन्होंने देखा होगा पहले। तो मैं सोचता था कि कब उनका अच्छा स्थान बन जाएगा, कब भव्य मंदिर बनेगा। तो आज मैं अभिभूत हूँ जब मैं वहाँ गया
और मैंने देखा कि इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसमें तमाम प्रकार के जो है जो हमारे इंजीनियर हैं, तमाम प्रकार की एजेंसियां हैं वो लगी हैं, अलग अलग तरीके से भूगर्भ वाले लोग लगे हैं, सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद वो मंदिर बन रहा है और बड़ा सुंदर हो गया है। तो निश्चित रूप से जो सपना बचपन से देखा था वो साकार हो रहा है। उत्तराखंड खबर के लिए प्रियंका रावत की रिपोर्ट।